देखिए, शेरगढ़ के बोंगरा गांव की जो गैस सिलेंडर फटने की जो घटना है, ये दिल दहलाने वाली घटना है, हृदय विदारक घटना है। हम जब देख के आए, जिस तरह बच्चे, महिलाएं, दूल्हा और जिस तरह पूरा परिवार जो खुशियां मना रहा था, बारात की रवानगी हो रही थी, और ऐसे समय के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाना, ये एक तरीके से पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर शोक की लहर है। हर कोई ये सोच रहा है ठीक हो जाए, हर कोई यही दुआ कर रहा है कि जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। 50 से ज्यादा यहाँ एडमिट है और इलाज, समुचित इलाज की व्यवस्था अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसे हादसों को रोका जाए, पुनरावृत्ति नहीं हो। एक तो हमारी सरकार से मांग रहेगी कि खाली बातों से ही काम नहीं होते, हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो और जल्दी से जल्दी इलाज मुहैया लोगों को। और इसमें मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि शायद कोई मुझे बता रहा था कि मुख्यमंत्री का आना कार्यक्रम, मैं तो अपील भी करूंगा, बातों से काम नहीं चलता। इस मामले में विशेष पैकेज जो मृतक है इसके अंदर इनके परिवारों को और जो घायल है इनको विशेष पैकेज राजस्थान की सरकार घोषित करे। आज ही मुख्यमंत्री यहाँ घोषणा करे इस बात की, क्योंकि संवेदनशीलता की बात ही करते हैं सीएम, खाली हमने देखा नहीं ज्यादा संवेदनशीलता, उसी शिखर की घटना देखी थी। तो इसमें 25 से 50 लाख रुपए पर मृतक के परिवार को, और घायल है उनका समुचित इलाज अगर यहाँ नहीं हो, किसी को फॉरेन भेजना पड़े, बाद के अंदर भी ठीक होने के बाद जो 40% से कम बर्न है, 15 से ज्यादा लोग, तो उनकी प्लास्टिक सर्जरी या जो बाद का होता है, वो सारा खर्चा राजस्थान की सरकार उठाए, इन परिवारों को बचाया जाए, ताकि ये संदेश जाए कि हम बड़े लोगों के इलाज नहीं हो रहे, गरीब को भी कोई सुनने वाला है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। ये सीएम को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए।